सो ये है गुड वाइब्स का पेपरमिंट एंड कॉफी एंटी ऑक्सीडेशन बॉडी स्क्रब एंड इसमें आपको क्वांटिटी मिलती है 100 ग्राम्स की एंड दिस इज पैराबिन फ्री एंड क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है ये. ओके अब 100 ग्राम्स के लिए इसकी प्राइस रखी गई है 215 रुपीज, लेकिन मैंने इसे 215 में नहीं परचेज किया है, मैंने 215 रुपीज में 2 परचेज किए हैं. तो पर्पल पे ऐसे डील्स आती रहती है कि एक परचेज करो तो एक फ्री, तो मैंने 2 स्क्रब परचेज कर लिए थे तो ये मुझे 215 में 2 स्क्रब मिले हैं. चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं वो पढ़ लेते हैं. कॉफी सीड पाउडर, पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल, शुगर, स्वीट आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, आर्गन ऑयल, बेंटोनाइट क्ले, विटामिन ई, एप्सम सॉल्ट. तो ये सारे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं. तो इसमें आप देख सकते हो कहीं पर भी आपको पैराबीन नहीं मिलेगा, बिल्कुल पैराबीन फ्री प्रोडक्ट. इसे यूज कैसे करना है, वेट योर बॉडी एंड टेक सम स्क्रब इन योर पाम, मसाज इट ऑन योर बॉडी इन अ सर्क्यूलर मोशन, रिंस एंड पैट ड्राई है. लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है तो आप पहले इसे पैच टेस्ट कर लीजिए, डायरेक्ट लेके अपनी स्किन पे स्क्रब करना मत शुरू कर देना, बिकॉज होता है कभी कभी कि हमें कुछ चीजें होती है वो सूट नहीं करती हमारी स्किन को. सो पहले आप इसको ट्राई जरूर करना एंड अगर आपको अच्छा लगे एंड आपकी स्किन इरिटेट नहीं हो रही हो तो फिर आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं. अब इसके पैकेजिंग की बात करूं तो प्लास्टिक कंटेनर है इस तरीके का एंड आप यहां से ओपन करेंगे तो आप जो है अपना स्क्रब देख सकते हैं. एंड मैं ऑलरेडी इसे 2 से 3 बार यूज कर चुकी हूं, मुझे काफी अच्छा लगा है. मीन्स जो इस वाले स्क्रब की है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है. अब इसका रीजन क्या है कि हमने जो ये स्क्रब चूज किया है वो पेपरमिंट एंड कॉफी है, तो पेपरमिंट की जो फ्रेग्रेंस होती है वो भी स्ट्रांग होती है एंड कॉफी की जो फ्रेग्रेंस होती है वो भी काफी स्ट्रांग होती है. तो इसी वजह से इस स्क्रब की जो फ्रेग्रेंस है काफी काफी ज्यादा स्ट्रांग है. अब चलिए इसका थोड़ा सा मैं आपको टेक्सचर दिखा देती हूँ. सो ये देख सकते हो ग्रैन्यूल्स में आपको कॉफी दिख जाएगी एंड पेपरमिंट है. और ये देखिए मैंने अभी तक इसको स्क्रब करना शुरू भी नहीं किया है, मैंने जस्ट इसको अपने हाथ पे लिया है और इस तरीके से अगर मैं सिफ्ट कर रही हूँ तो ये आप ऑयल देख सकते हैं, ऑयल जो इसमें से निकल रहा है. तो इसी की वजह से क्या है, ये आपके स्किन को अच्छे से स्क्रब तो करता है साथ में साथ हाइड्रेट भी करता है. लाइक आपको स्किन है ना बाद में बहुत ही ज्यादा रूखी सूखी नहीं लगेगी इसे यूज करने के बाद. मैं इसका डेमो आपको करके दिखा रही हूँ अपने हाथों पे, लेकिन ये जस्ट मैं आपको दिखाना चाहती थी कि अगर आप सिर्फ स्क्रब लेंगे, चलिए मैं और एक बार आपको दिखाती हूँ यहाँ पे रख के, कि अगर आप सिर्फ स्क्रब लेंगे और उसको जस्ट इस तरीके से करेंगे, देखिए मैंने स्क्रब करना अभी तक शुरू भी नहीं किया है, ठीक है. और अब मैं इस स्क्रब को यहाँ से हटा देती हूँ तो ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हो जो स्किन है वो बहुत ही आपको दिखेगी हाइड्रेट हो जाती है, क्योंकि ये स्क्रब आप जैसे ही स्किन के ऊपर लगाते हो तो इसके अंदर से जो ऑयल है वो निकलना शुरू हो जाता है और इसी की वजह से आप स्क्रब बहुत इजीली कर सकते हो. और चलिए अभी मैं पूरा अपना जो हैंड है वो थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ और उसके बाद आपको अपने लेफ्ट हैंड पे मैं स्क्रब करके दिखाती हूँ. सो ये मैंने अपना जो हैंड है पूरा वेट कर लिया है और अब मैंने जो है स्क्रब अच्छे से ऊपर ले लिया है. तो ऑब्वियसली ये जो है आपको बाथरूम में करना है, बिकॉज अगर आप बाथरूम में करेंगे तो ही जो इसका ये जो मैस है वो आपको क्लीन नहीं करना पड़ेगा. बट ऑब्वियसली मैं बाथरूम में नहीं दिखा रही हूँ आपको. सो बस आपको इस तरीके से स्क्रब लेना है एंड हल्का हल्का सा आपको अपने हाथों पे इस तरीके से मसाज करनी है राउंड मोशन में. अगर आप चाहें तो बिना पानी के भी कर सकते हैं और चाहें तो पानी के साथ भी कर सकते हैं. अब अगर ये बॉडी स्क्रब है तो ऑब्वियसली इसके जो ग्रैन्यूल्स है वो थोड़े से आपके बड़े आएंगे, क्योंकि बॉडी स्क्रब है तो इतना माइल्ड नहीं है ये स्क्रब. तो थोड़ा सा आपको हो सकता है कि ये स्क्रब लगेगा कि यार थोड़ा सा ये स्क्रब मुझे लग रहा है, आई कैन फील इट, तो प्लीज उसको एक्सक्यूज कर देना. और ये इतना अच्छा है और ऑयल तो मतलब मुझे पता ही चल रहा है कि ऑयल जो है इसमें से निकल रहा है, इसी वजह से ये जो है आप देख सकते हो इस तरीके से थोड़ा सा ये स्टिकी लगता है हल्का सा, क्योंकि इसमें से ऑयल बहुत ज्यादा निकल रहा है. ये आप देख सकते हो पूरा ऑयल जो है वो मेरे हाथों में आपको दिखेगा कि ऑयल कितना है. तो बस इस तरीके से मुझे इसे अच्छे से स्क्रबिंग करनी है फॉर गुड 5 मिनट्स एंड उसके बाद में अपना हैंड वॉश कर लूंगी. एंड फ्रेग्रेंस इसकी बहुत ही स्ट्रांग है, मैंने पहले ही कहा क्योंकि कॉफी एंड पेपरमिंट स्क्रब है ये, तो फ्रेग्रेंस इसकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग सकती है आपको. सो अगर आपको फ्रेग्रेंस वाली प्रॉब्लम है तो आप ये वाला स्क्रब ना लें, आप इसकी जगह पे कोई और स्क्रब भी ले सकते हैं. यस सो आई एम डन विद द स्क्रबिंग एंड चलिए अब मैं जो है अपने हैंड को वॉश करके आती हूँ. सो ये मैंने अपना हैंड जो है वो वॉश कर लिया है. अब मैं इसको जो है नैपकिन की हेल्प से थोड़ा सा ड्राई कर रही हूँ, पैड ड्राई करना है आपको. एंड नाउ यू कैन सी, आप मेरे दोनों हाथों में डिफरेंस देख सकते हो.
आई डोंट नो अभी आपको इतना अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, लाइटिंग में मैं ट्राई कर रही हूँ जितना हो उतना अच्छे से मैं आपको दिखा सकूँ। सो आप इसकी फ्रेशनेस देख सकते हैं, स्किन कितनी ज्यादा सॉफ्ट हो गई है। एंड ये मेरा हैंड आप देख सकते हो, हल्की हल्की सी आपको फ्लेकी दिखेगी स्किन जो है मेरी, और ये वाली जो स्किन है आप देख सकते हो बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ हो चुकी है। एंड जो ऑब्वियसली स्किन की फीलिंग अलग ही होती है कि स्किन जो है मेरी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ हो गई है। एंड क्योंकि इसमें पेपरमिंट है तो आपको एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटे तक वो कूलिंग सेंसेशन रहेगा आपके हाथों में, और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको कूलिंग सेंसेशन जो होगा वो। अमेजिंग स्क्रब है गाइस, बहुत बहुत अमेजिंग, आप लिटरली डिफरेंस देख सकते हो मेरे दोनों हाथों में। तो ये स्क्रब आप देख सकते हो कितना अच्छे से उसने एक्सफोलिएट करके स्किन जो है मेरी एकदम ब्राइट भी कर दी है। तो आई लव्ड दिस स्क्रब, एक्चुअली आई लव्ड दिस स्क्रब।